पियानो ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे Hyundai का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपको एडवेंचर एडिशन का यहाँ पे बैस देखने को मिल जाता है, तो काफी अच्छे से इसको प्लेस किया है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ब्लैक के आपको टच यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे आपको कुशन देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर एडवेंचर की बैजिंग भी की गई है। ऊपर यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, आपको ब्लैक प्लस यहाँ पे लाइट सेज ग्रीन कलर दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो डैश कैम का फीचर भी यहाँ पे दे दिया गया है इस पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हो आप, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज मैं हूँ ऑल न्यू Hyundai Creta एडवेंचर एडिशन में। आज की इस वीडियो में आप देखोगे इसका वॉक अराउंड रिव्यू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये हमारे सामने ऑल न्यू Hyundai Creta एडवेंचर एडिशन। और वेरिएंट की बात करेंगे तो ये वेरिएंट है SX, और एडवेंचर एडिशन जो आपको मिलेगा क्रेटा में वो आपको दो ही मॉडल में देखने को मिल जाएगा, SX एंड SX ऑप्शनल। और ये हमारे सामने SX मॉडल, तो इसका आज वॉक अराउंड रिव्यू करते हैं। फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं, तो फ्रंट में कुछ इस तरह से लुक आ जाती है, काफ़ी बढ़िया लुक दी गई है। और इसमें जो जो चेंजेस किए गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ग्रिल दिख रही होगी, तो फ्रंट ग्रिल आपको पूरी ब्लैक में दे दी गई है, पियानो ब्लैक फिनिश में आती है। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे Hyundai का लोगो मिल जाता है, जो तो काफ़ी अच्छी ग्रिल लगी है। उसके नीचे यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी। एंड नीचे बम्पर देखोगे तो बम्पर भी आपको पहले सिल्वर में आता था, एडवेंचर एडिशन में यहाँ पे इसको भी पियानो ब्लैक की फिनिश दे दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है और स्टैंड आउट करती है गाड़ी की लुक्स को। हेडलाइट की बात करेंगे तो हेडलाइट आपको इसमें यहाँ पे ट्राई बीम में मिल जाती है, ट्राई बीम LED में मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वाइट लाइट मिल रही है आपको, DRL कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। और नीचे फॉग लैंप की बात करेंगे तो फॉग लैंप आपको इसमें हेलोजन में मिल जाते हैं, येलो में है, ये भी वाइट में दिए जाते हैं जो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी के साथ इंडिकेटर भी आपको इसमें हेलोजन में मिल जाते हैं। सो गाइस, फ्रंट की बात होगी, अभी इंजन बे देख लेते हैं इसका और इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सो गाइस, इंजन भी कुछ इस तरह से मिल जाता है, और ये पेट्रोल वेरिएंट है। और इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है 1.5 लीटर DOHC पेट्रोल इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 115 PS की एंड 143.8 NM टॉर्क। सो पावर फिगर्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं आपको इसमें, और नो डाउट Hyundai के इंजन भी काफ़ी अच्छे हैं। 1.5 लीटर इंजन काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस देता है। सुपर वाली साइड यहाँ पे आपको इंसुलेशन वर्क भी देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है, इंजन नॉइस आपको ज़्यादा नहीं आती है बाहर। और उसी के साथ नीचे आप देखोगे तो नीचे आपको पार्शियल कवरिंग भी देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, इंजन बे की बात होगी, यहाँ पे आपको विजिबल लाइंस देखने को मिल जाएंगी, तो काफ़ी अच्छी लगती हैं, स्पोर्टी लुक देती हैं गाड़ी को। और यहाँ पे वाइपर देख लो तो वाइपर आपको इसमें नॉर्मली मिल जाते हैं, कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको एडवेंचर एडिशन का यहाँ पे बैस देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छे से इसको प्लेस किया है, और मेरे को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। सो टायर डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको टायर मिल जाता है 215/60R17। सो 17 इंचज़ के यहाँ पे आपको अलॉय व्हील मिल रहे हैं, और ये भी आपको ब्लैक में मिल जाएंगे, जबकि आपको नॉर्मल क्रेटा SX में यहाँ पे ब्लैक में देखने को नहीं मिलते थे, उसमें आपको सिल्वर में देखने को मिल जाते थे। उसी के साथ इस एडवेंचर एडिशन में यहाँ पे आपको फ्रंट के ब्रेक कैलिपर आपको रेड में देखने को मिल जाते हैं। और ब्रेक्स की बात करेंगे तो आपको ऑल फोर ब्रेक्स यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे क्लैडिंग देखी जाए तो यहाँ पे साइड में आपको कुछ इस तरह से क्लैडिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे नीचे आपको पियानो ब्लैक में फिनिश दी गई है, जो कि इसी एडवेंचर एडिशन में आपको देखने को मिल जाती है। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से आ जाती है, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लुक्स लगी इसकी, जो ब्लैक एंड वाइट वेरियंट है। डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो लेंथ इसमें मिल जाती है 4.3 मीटर्स की, विड्थ 1.79 मीटर, हाइट 1.63 मीटर्स, व्हील बेस इसमें मिल जाता है 2.6 मीटर्स का, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिल जाती है 190 mm की। ORVM की बात कर लेते हैं तो ORVM कुछ इस तरह से मिल जाता है, पियानो ब्लैक में आता है ये भी, उसी के साथ ये पिलर भी आपको पियानो ब्लैक में मिल जाएगा। सो देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है लुक्स इसकी। उसी के ऊपर यहाँ पर टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाता है, कुछ इस तरह से आपको व्यूइंग एरिया मिल जाएगा, तो व्यूइंग मिरर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा बनाया गया, आपको वाइट कवरेज देगा रेयर की। यहाँ पे डोर हैंडल की बात कर लेते हैं तो डोर हैंडल आपको SX मॉडल में बॉडी कलर ही मिल जाएंगे, और पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है, की इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, और रिक्वेस्ट सेंसर इसमें मिल रहा है ये ड्राइवर साइड ही देखने को मिलेगा, को ड्राइवर साइड यहाँ पे नहीं दिया गया ये। और यहाँ पे आप ये यूनिट देखोगे तो ये भी पियानो ब्लैक में दी गई है, जो लास्ट तक यहाँ तक एक्सटेंड होती है। उसी के ऊपर रूफ रेल आपको मिलते हैं, वो भी ब्लैक में ही मिलेंगे, ग्लॉसी ब्लैक में। सो गाइस, अभी रियर से बात कर लेते हैं तो रियर लुक कुछ इस तरह से आ जाती है Creta एडवेंचर एडिशन में। सो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ब्लैक के आपको टच यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको टेल लैंप कुछ इस तरह से मिल जाता है, LED में मिलता है, तो LED में यहाँ पे कुछ इस तरह से एलिमेंट मिल जाएगा। हेलोजन में यहाँ पे आपको इंडिकेटर लाइट मिल जाती है, हिसाब से ये थोड़ी सी ब्लैक की गई है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल Creta एडिशन। यहाँ पे आपको SX का यहाँ पे बैच मिल जाएगा,
क्रेटा की लेटरिंग यहाँ पे मिल जाती है और यहाँ पे ह्यूंडई का लोगो कुछ इस तरह से मिलेगा। एज वर्क ये जो किया गया है ये डार्क क्रोम में किया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है एडवेंचर एडिशन में। यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी, नंबर प्लेट लाइट यहाँ पे येलो में दी गई है, तो ये वाइट में दी जाती तो ज़्यादा अच्छा लगता। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। आपको चार पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं और उसी के नीचे बम्पर देखोगे तो ये भी पहले सिल्वर में आता था नॉर्मल क्रेटा में, एडवेंचर एडिशन में ये भी पियानो ब्लैक में कर दिया गया है। सर यहाँ पे बम्पर में आपको यहाँ पे रिवर्स लाइट मिल जाती है और ये भी हेलोजन में मिलती है, ये रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। इस वेरिएंट में यहाँ पे रियर एंटीना मिल जाएगा, डिफॉगर लाइंस मिल जाती हैं और ऊपर यहाँ पे आप देखोगे तो रियर स्पॉइलर की लुक कुछ इस तरह से आ जाती है। सो काफ़ी अच्छे से इसको प्लेस किया गया है और यहाँ पे आप देखोगे तो रियर वॉशर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऊपर आपको शार्फिन एंटीना भी ब्लैक में मिल जाता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो एडवेंचर मॉडल में दी गई हैं और एडवेंचर वेरिएंट में जो इंटीरियर में भी चेंजेस किए गए हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। सो अभी इसके बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, तो बूट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। सो गाइस कुछ इस तरह से आपको बूट स्पेस मिल जाती है, 433 लीटर्स की बूट स्पेस आ जाती है, तो डिसेंट आपको बूट स्पेस मिल रही है इसमें। लैंप मिल जाता है यहाँ पे आपको येलो में मिल जाएगा। सो कुछ इस तरह से आपके पार्सल ट्रे आ जाएगी और ये भी काफ़ी सॉलिड बनाई गई है, तो इस पर भी आराम से आप सामान रख सकते हो। लगेज हुक यहाँ पर मिल जाएगा आपको। स्पेयर व्हील देख लेते हैं, तो स्पेयर व्हील कुछ इस तरह से मिल जाएगा आपको, 205/65R16, तो ये 16 इंचेस का आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है, स्टील रिम के साथ आता है। सो इस साइड से बात करेंगे तो इस साइड से कुछ इस तरह से लुक आ जाती है। यहाँ पे फ्यूल टैंक ओपनर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको मिल जाती है 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो गाइस एक्सटीरियर की बात होगी, अभी इंटीरियर पे चल जाते हैं। सो सबसे पहले रियर सीट एक्सेस कर लेते हैं, तो ओपनिंग कुछ इस तरह से मिल जाएगी, तो वाइड ओपनिंग मिल जाती है, आराम से आप इसमें अंदर जा सकते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। रियर डोर्स कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, ऑल ब्लैक में आएंगे ये, तो फिनिश काफ़ी अच्छी सॉफ्ट फिनिश यहाँ पे दी गई है। सो यहाँ पे कर्टन भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो रियर दोनों ही आपको विंडोज़ में कर्टन देखने को मिल जाता है। मटेरियल काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया। डोर स्पीकर्स मिल जाते हैं आपको इसमें, और इसमें आपको 4 स्पीकर प्लस 2 ट्विटर देखने को मिल जाएंगे, वाटर होल्डर मिल जाएगा, तो कुछ इस तरह से आपको स्पेस मिल जाती है। स्कफ प्लेट कुछ ब्लैक में यहाँ पे ऐसे दिख जाएगी आपको, कुछ इस तरह से मिल जाती है आपको इसमें। और सीट्स आप देखोगे तो ये आपको ब्लैक प्लस लाइट सेज ग्रीन कलर की मिल जाएंगी और सेमी लेदरेट में यहाँ पे मिलेगी आपको एसएक्स वेरिएंट में, और एसएक्स ऑप्शनल आप लोगे तो उसमें आपको फुल लेदरेट सीट्स मिल रही हैं। ड्रेस की बात करेंगे तो हेडरेस्ट आपको दो ही देखने को मिलेंगी रेयर में, 3 हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलती हैं इसमें। इसके साथ यहाँ पर आपको कुशन देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर एडवेंचर की बैजिंग भी की गई है। इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाती है जिसकी वजह से आप बूट स्पेस इसकी एक्सटेंड कर सकते हो और आराम से सामान वगैरह लेके जा सकते हो इसमें। इसमें एंटर करते हैं और स्पेस की बात कर लेते हैं। नी रूम कुछ इस तरह से मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा आपको नी रूम नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्पेस देखने को नहीं मिलती है इसमें। फॉर योर रेफरेंस फ्रंट सीट जो मैंने एडजस्ट की है वो अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की है, मेरी हाइट है 5'10" के हिसाब से मैंने एडजस्ट की है और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इतनी स्पेस फ्रंट में है, उस हिसाब से रियर में देखो इतनी स्पेस मिल रही है। अंडर साइज पोर्ट कुछ इतना मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से ठीक लगा मेरे को ये। एंड हेडरूम की बात करेंगे तो हेडरूम कुछ इस तरह से मिल जाता है, तो हेडरूम में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है इसमें, तो हेडरूम आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। और कुशनिंग जो दी गई है ये बहुत प्यारी लगी मेरे को, आराम से आप इसमें लॉन्ग टूर्स कर सकते हो। बाकी सिटिंग कम्फर्ट की बात करें तो सिटिंग कम्फर्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है इसमें। यहाँ पर आप 3 अडल्ट भी आराम से आ सकते हो। सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाएगा, सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं ये, और रीडिंग लाइट देखो तो कुछ इस तरह से मिल जाएगी, वाइट में मिलती है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ ये आ जाता है और रीडिंग लैम्प कुछ इस तरह से मिल जाता है। सो रीडिंग लाइट्स काफ़ी अच्छी लगी, इनका थ्रो देखो आपको बिल्कुल थाई के ऊपर आपको थ्रो पड़ता है, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसमें। यहाँ पे सेंटर में बात कर लेते हैं तो रियर एसी विंड मिल जाते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे ब्लैक प्लस यहाँ पे आपको लाइट सेज ग्रीन कलर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसी के नीचे यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाती है, टाइप ए यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। नीचे यहाँ पे हम्प देखोगे तो हम्प बहुत ज़्यादा हम्प नहीं आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल कम किया गया है इसको, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। सीट्स के पीछे आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर भी मिल जाता है, ऊपर यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी दी गई है, तो इसका भी मैं क्लोजिंग एंड ओपनिंग यहाँ पे फ्रंट में जब जाऊँगा तो वो बता दूंगा। फ्रंट का कुछ इस तरह से कैबिन आ जाता है। सो गाइस अभी रियर से बात होगी, फ्रंट में चल जाते हैं और फ्रंट से बात कर लेते हैं। सो गाइस ड्राइवर साइड अभी एसेस कर लेते हैं और कुछ इस तरह से ओपनिंग मिल जाती है आपको, जो वाइड ओपनिंग मिलती है। राइट साइड कुछ इस तरह से कंट्रोल मिल जाते हैं और
सो ये जो मैंने आपको बताया काफ़ी स्मूथ ये सरफेस बनाया गया है, तो सॉफ्ट आपको मटेरियल नहीं मिलेगा लेकिन स्मूथ सरफेस जो बनाया है वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगी थोड़ी, नीचे आपको यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाते हैं, ये स्पीकर मिल जाएगा और ये ट्विटर। यहाँ पे आपको स्कफ प्लेट्स मिल जाती हैं, तो स्कफ प्लेट रियर में आपने देखी थी तो वहाँ पे ब्लैक दी हुई थी और यहाँ पे ब्लैक के साथ यहाँ पे सिल्वर की भी फिनिश दी गई है। सो कुछ इस तरह से कैबिन आ जाता है क्रेटा एडवेंचर एडिशन में। यहाँ पे आप सीट्स का कलर देखो तो ये आपको ब्लैक प्लस यहाँ पे लाइट सेज ग्रीन कलर दिया गया है। सो ये आपको फैब्रिक में मिल जाता है, मतलब आप बोलोगे सेमी लेदरेट बोल सकते हो, बीच में आपको फैब्रिक पार्ट मिल जाएगा, साइड में आपको लेदर वर्क देखने को मिल जाएगा। और ये है SX वेरियंट में, और SX ऑप्शनल जब आप लोगे तो उसमें आपको फुल लेदरेट मटेरियल देखने को मिल जाता है। सो सीट्स की बात होगी, अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट की बात कर लेते तो एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको मैनुअली देखने को मिल जाता है, सीट हाइट एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हो इसमें। यहाँ पे आपको कंट्रोल कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, एंड ऑटो ऑफ का यहाँ पे बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का मिल जाएगा, और यहाँ पे हेडलाइट लेवलर। सो गाइस चलो चलते हैं अंदर और यहाँ पे कैबिन एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। सो गाइस इंटीरियर कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया इंटीरियर मिलते हैं, और सबसे बढ़िया चीज़ ये मिलती है कि आपको हाइट फील होगी जब भी आप इसमें बैठोगे, कमांडिंग सीट आपको मिल जाती है, वो चीज़ काफ़ी बढ़िया लगती है। तो आप पुरानी क्रेटा में भी काफ़ी अच्छी फील आती थी, यहाँ पे तो एडवेंचर एडिशन में खाली चेंजेस किए गए हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं और एक दो फीचर बढ़ा दिए गए हैं, वो चीज़ के अलावा बाकी सेम ही क्रेटा है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी क्रेटा लेनी है। स्टीयरिंग कुछ इस तरह से मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो स्टिचिंग दी गई है स्टिचिंग में भी काफ़ी वर्क किया गया है, बिकॉज स्टिचिंग भी कलर आपको सेम मिल जाता है, लाइट सेज ग्रीन कलर, फील काफ़ी अच्छा आता है आपको इस स्टीयरिंग से। कंट्रोल्स यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको इसमें मिल जाते हैं, कॉल्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, मीडिया के कंट्रोल मिल जाएंगे, और राइट साइड यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं, और उसी के साथ MIDV आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो फिनिशिंग की गई है फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लगती है, प्रीमियम फील आपको ये कराएगा, उसी के साथ सिल्वर एसेंट जो दिया गया है वो काफी अच्छा लगता है इसमें। एडजस्टमेंट इसमें आपको खाली टिल्ट ही देखने को मिल जाता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं दी गई है, और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको SX ऑप्शनल में मिल जाती है। सो गाइस अभी इसको ऑन कर लेते हैं, तो ऑन करने में कुछ इस तरह से एनिमेशन शो करता है। सो गाइस इसमें आपको एनालॉग में ही आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, बीच में MID मिल जाती है, लेफ्ट साइड आप यहाँ पे देखोगे तो टैकोमीटर आ जाएगा, उसी के लेफ्ट साइड यहाँ पे इंजन टेम्परेचर शो कर देता है, राइट साइड यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, उसी के साथ फ्यूल गेज, सेंटर में यहाँ पे नीचे आपको टेलटेल लाइट्स मिल जाती हैं, और उसी के ऊपर यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी शो कर देगा MID में, उसके ऊपर डिस्टेंस टू MT शो कर देता है, नीचे टेम्परेचर भी शो करेगा, और मेन चीज़ इसमें ये है कि रियर जो पैसेंजर बैठेंगे उनका भी आपको यहाँ पे बता देगा कि उन्होंने सीट बेल्ट पहनी है या नहीं पहनी। कोई यहाँ पे चेंज कर लेते हैं तो चेंज करने पर कुछ इस तरह से कंपस भी आपको देखने को मिल जाएगा, टायर प्रेशर मोनिटरिंग सिस्टम आ जाता है, यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ें मिल जाएंगी, माइलेज वगैरह बता देगा, इस तरह से आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। राइट साइड यहाँ पे वेंट की बात करेंगे तो वेंट कुछ इस तरह से मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे जो इंसर्ट्स मिल जाते हैं ये लाइट सेज ग्रीन कलर के मिल जाएंगे, नीचे आप देख रहे होंगे तो ये आपको ब्लू एम्बियंट लाइट भी यहाँ पे गाड़ी में देखने को मिल जाती है। सेंटर कंसोल की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से कंसोल मिल जाता है, ड्राइवर ओरिएंटेड बनाया गया है, ये स्क्रीन आपको ड्राइवर वाली साइड ज़्यादा टिल्ट देखने को मिलती है इसमें, यहाँ पे भी इंसर्ट आपको वही मिल जाते हैं लाइट सेज ग्रीन कलर, ऊपर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे खाली जगह मिल जाती है, यहाँ पे आप टेंपल वगैरह लगा सकते हो, और उसी के नीचे यहाँ पे आप टच स्क्रीन सिस्टम की बात करोगे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको टच स्क्रीन पैनल मिल जाता है, तो टच देखो आप कितना रिस्पॉन्सिव है इसमें। मैप्स मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है Hyundai की तरफ से, सो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, मैंने यूज़ किए हैं, और पर्सनली मैं आपको ये बताऊं कि मेरे को काफ़ी अच्छे लगे ये मैप। सेंटर में यहाँ पे आपको मीडिया का बता देगा कि क्या आपका चल रहा है इसमें, यहाँ पे FM अभी लगाया हुआ है, और आवाज़ ज़्यादा करेंगे तो कुछ इस तरह से स्पीकर मिल जाते हैं। राइट साइड यहाँ पे आपको कंपस शो कर देगा, और उसी के साथ यहाँ पे स्वाइप करोगे तो और भी फीचर आप इसमें देख सकते हो। सो ब्लू लिंक वगैरह फ़ीचर भी दे दिया गया है, जिसमें 60+ इसमें ब्लू लिंक फ़ीचर चल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप यूज़ करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितने यूज़फुल हैं। नीचे यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल मिल जाते हैं, तो डायल ये जो सेंटर में दिया गया है ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। नीचे आपको AC कंट्रोल कुछ इस तरह से मिल जाते हैं SX वेरियंट में, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिल जाता है इसमें, 12 वोल्ट का सॉकेट कुछ इस तरह से मिल जाएगा, सेंटर में टाइप ए USB पोर्ट मिल जाता है, और राइट साइड टाइप ए फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। कीज़ कुछ इस तरह से मिल जाती हैं आपको, जैसे ही पहले भी कीज़ आती थी, तो कीज़ में कोई भी चेंज नहीं किया गया इसमें। ये मैनुअल वेरियंट है, 6-speed मैनुअल वेरियंट है ये, और इसमें आपको IVT भी मिल जाता है देखने को,
यहाँ पे आपको डायनेमिक रियर व्यू भी मिल जाता है देखने को, जो इधर से ऑन हो जाएगा। बस अभी बात कर लेते हैं इसके रिवर्स पार्किंग कैमरा की, तो कैसी क्वालिटी मिलती है। तो ये अभी रिवर्स लगा लिया मैंने, तो कुछ इस तरह से आपको क्वालिटी मिल जाती है। मेरे को काफ़ी अच्छा कैमरा लगा इसका, और Hyundai के सभी कैमरा मेरे को काफ़ी अच्छे लगे अभी तक। सो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हो। इसी के साथ अडेप्टिव गाइडलाइंस भी आपको मिल जाती हैं देखने को, जैसे ही आप स्टेयरिंग मूव करोगे तो ये भी मूव हो जाती हैं। रियर पार्किंग सेंसर भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है अभी। सो मेरे को अच्छी लगी इसकी कैमरा क्वालिटी। और यहाँ पे इसको वापस से न्यूट्रल कर लेते हैं। सेंटर में कप होल्डर कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक कुछ इस तरह से मिलेगी, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे SX ऑप्शनल में देखने को मिल जाती है, आर्मरेस्ट कुछ इस तरह से मिल जाता है। इसमें आपको एयर प्यूरीफायर नहीं मिलेगा देखने को, जो कि SX ऑप्शनल में दिया जाता है। ओपनिंग करने में कुछ इस तरह से स्पेस मिल जाएगी, डिसेंट आपको स्पेस मिल जाती है इसमें। ग्लव बॉक्स की बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से ग्लव बॉक्स मिलता है, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ नहीं आता है, अचानक से ही खुल जाएगा ये। बीच में आपको यहाँ पे कूलिंग का फीचर भी दिया गया है, तो कूल ग्लव बॉक्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सो इसको क्लोज कर लेते हैं। ऊपर यहाँ पे एम्बिएंट लाइट देखने को मिल रही होगी, ब्लू एम्बिएंट लाइट मिल जाती है इसमें। सनशेड में देख लेते हैं, तो सनशेड में यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, लाइट वगैरह देखने को नहीं मिलती है इसमें। ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको खाली टिकट होल्डर ही मिल जाएगा। सेंटर में देखेंगे तो सेंटर में कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं, तो ये आपको वाइट में मिल रहे हैं। और थ्रो देखो आप, बिल्कुल यहाँ पे थ्रो पड़ता है। सो कोई भी चीज़ आपने रीड करनी है तो आराम से आप रीड कर सकते हो इसमें। सनग्लास होल्डर मिल जाता है यहाँ पे, और IRVM कुछ इस तरह से मिल जाता है इसमें। ऑटो डिमिंग के साथ ये नहीं आता है, ब्लू लिंक फीचर वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा, SOS वगैरह। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डैश कैम का फीचर भी यहाँ पे दे दिया गया है इस पर। तो डैश कैम यहाँ पे जो मिलता है ये डुअल रिकॉर्डिंग करता है, फ्रंट की भी रिकॉर्डिंग करेगा और कैबिन की भी रिकॉर्डिंग करेगा एक साथ ही। और यहाँ पे ये जो सेंटर कंट्रोल आप देख रहे हो, ये है इसका पैनारोमिक सनरूफ का कंट्रोल। तो इसको वन टच ओपन एंड क्लोज के साथ आता है ये, तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। सो ये ओपन कर लेते हैं इसको, कुछ इस तरह से ओपनिंग होती है इसकी। सो काफ़ी बढ़िया से ये खुल जाता है, बस इसकी स्पीड थोड़ी स्लो लगी। सो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ओपनिंग मिल जाती है इसकी। सो अभी वन टच क्लोज कर लेते हैं इसको। सो वन टच क्लोज के साथ आता है, और जैसे ही मैंने प्रेस किया ये अपने आप ही आपका ये क्लोज हो जाएगा। सो कुछ इस तरह से आपको इसमें पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। और बाकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। सो गाइज, मैंने आपके साथ सभी चीज़ें डिस्कस की Hyundai Creta एडवेंचर एडिशन की। सो कोई भी क्वेरी होगी आपकी तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछ सकते हो आप। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।